बाराबंकी में फतेहपुर आदर्श नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही आई सामने। घनी आबादी व आम रास्ते के पास डाला जा रहा नगर का कूड़ा। वहीं नगर पंचायत के कूड़ा घर में आज अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड का पंपिंग सिस्टम अचानक हुआ फेल। भीषण आग को नहीं बुझा पाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। जर्जर हालत में है फतेहपुर फायर ब्रिगेड सर्विस। मामला कोतवाली फतेहपुर के नाला पर दक्षिणी का है, जहां सालों से आबादी की जगह में रोड पर कूड़ा डालने का काम किया जा रहा है। कूड़े की बदबू इतनी रहती है कि लोगों का निकलना दूभर हो गया है। वहीं नौनिहाल नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने के लिए इसी रास्ते से होकर स्कूल जाते हैं। राहगीरों को चलने में और नौनिहाल बच्चों को अपने स्कूल तक जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कूड़े के ढेर के पास ही घनी आबादी भी मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। एक ओर कूड़े की बदबू से लोग बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं आज अचानक उसी कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग इतनी बढ़ गई कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग को लॉलीपॉप दिखाते हुए नजर आई। आनन फानन में आदर्श नगर पंचायत फतेहपुर के कर्मचारी बाल्टी से आग को बुझाने में लग गए, लेकिन उनके हाथ भी निराशा ही लगी, आग और बढ़ती गई। बताते चलें कि इस कूड़े से हो रही परेशानियों को लेकर इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी फतेहपुर को लोगों के द्वारा लिखित रूप से की गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज यह हादसा हुआ है। मेरा नाम हसन महमूद है और ये मेरी जमीन है, यहाँ पे 472 बाग है और इसके करीब में कूड़ा डाला जा रहा है जो नगर पंचायत फतेहपुर की तरफ से डाला जा रहा है और ये आबादी के अंदर आता है और इससे हमारे एक सीजन में आग भी लग चुकी है और दोबारा सीजन में आग भी लगी है। और नगर पंचायत की तरफ से पिछली बार टैंक भेजा गया था और फायर ब्रिगेड हम लोगों ने बुलवाया था, पिछली बार भी आग काफ़ी ज़्यादा लगी और इसी करीब में भी कब्रिस्तान भी है और दाहिने हाथ से भी कब्रिस्तान है, तो यहाँ पे कूड़ा डंप करना आबादी के अंदर से कहीं स्तर से सही नहीं है। और SDM साहब को हमने एप्लीकेशन भी दी थी तो खास उस पर सुनवाई भी नहीं। फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी आज? फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी और वो ख़राब थी, वापस चली गई है।